सत श्री अकाल सारिआं नूं। तुहाडा सारिआं दा साडे परम सिलाई सिखलाई चैनल ते स्वागत है। अज असीं तुहानूं इस वीडियो विच टकसाली चोले दी सिलाई अते कटाई बारे दसांगे। तुसीं वीडियो नूं शुरू तों लैके एंड तक जरूर देखियो। वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट करके तुसीं वीडियो किवें दी लगी चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो। बैल आइकन नूं प्रेस कर लियो तां जो साडी हर आउण वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंचदा रहे। ये अपने कोल कपड़ा 2 मीटर कपड़ा, अपने 2 मीटर कपड़े के उपर आप चोले की जी कटाई करांगे। ये अपने कोल नाप आ, इस नाप के मुताबिक आप पहले भी चोला जिहड़ा तैयार किया ही, अपने कोल नाप यही रहेगा। थोड़ा थोड़ा आप नाप जिहड़ा इसका बढ़ावांगे, बाकी नाप अपने कोल सेम यही होएगा। ये अपने कोल कपड़ा, कपड़े दे विचों सिर्फ आपां इहदे विचों सिर्फ एक एक ही कली दोनों साइडां दे उपर लगावांगे। आपां बहुता ज़्यादा भारा चोला जिहड़ा नहीं तैयार करांगे। हुण आपां करदे हां चोले की कटाई। ये अपने को 2 मीटर कपड़ा है। सब तो पहला कपड़े नूं आपां डबल फोल्ड जिहड़ा विछा लिया, किनारी जिहड़ी इहदी आपां कट दित्ती है। सब तो पहला आपां लंबाई दे पीस कटांगे 2 इंच, अगला पल्ला ते बैक पल्ला दोनों पीस जिहड़े आपां इकट्ठे कट लवांगे। लंबाई जिहड़ी इहदी आपां 29 इंच रखांगे। अपने को 29 इंच जिहड़ी लंबाई जिहड़ी आपां तैयार रखनी है। 3 इंच आपां जिहड़ा एक्सट्रा रखांगे फोल्डिंग वास्ते, अपने उपर सिलाई दे विच भी आएगा। 32 इंच दे उपर आपां कटिंग कर देंगे दोनों पीसां दी। इस तरह 32 इंच दे उपर निशान ला के 2 पीस जिहड़े आपां कट लवांगे। ये अपने को 32 इंच ते आ गया। इन्हां निशानां दे उपर आपां कपड़े की कटिंग कर लाँगे। ये अपने कोल 2 पीस जिहड़े आ 32 इंच लंबाई दे, 29 इंच आपां नूं तैयार चाहिए है। 3 इंच आपां एक्सट्रा लिया, घेरे की फोल्डिंग होएगी, अपने उपर सिलाई दे विच भी आएगा। हुण आपां ये पीसां नूं जिहड़ा आपां 14 इंच दा फोल्ड करके 14 इंच दे 2 पीस जिहड़े ला लेंगे, बाकी कपड़ा जिहड़ा कटिंग कर देंगे इहदे नालों। इस तरह 14 इंच आपां कपड़ा जिहड़ा फोल्ड करना। ये अपने कोल 14 इंच जिहड़ी आ कपड़ा जिहड़ा आपां फोल्ड कर लिया, बाकी जिहड़ी पट्टी जिहड़ी आपां इहदे नालों कट देवांगे कपड़े दी। ये अपने कोल 14 इंच जिहड़ा कपड़ा जिहड़ा डबल हो गए। ये कपड़े नूं आपां अलग अलग पीस कर लवेंगे। ये अपने 2 पीस जिहड़े कर लेंगे, एक अगला पीस हो जाएगा, एक बैक पल्लिया हो जाएगा। दोनों पीसां नूं अलग अलग जिहड़ा सांझे पीस नूं तां कटिंग कर देंगे, 2 पीस अपने कोल हो जाएंगे। ये अपने कोल 2 पीस हो गए ने, एक पीस जिहड़ा आपां अगला पीस होएगा, एक पीस जिहड़ा अपना बैक पल्ला होएगा। इस तरह पीस जिहड़ा आपां डबल करके विछा लिया, एक पीस जिहड़ा आपां साइड ते रख देवांगे। इस पीस के उपरों आपां हुण दूसरे पीस के विचों अपने इस पीस के विचों कलियां कढ़ांगे। इहदियां कलियां जिहड़ियां आपां इहदे नाप के मुताबिक कढ़ांगे। कलियां वास्ते सब तो पहला उपरों कपड़ा जिहड़ा आपां 6 इंच जिहड़ा मोढ़ा जिहड़ा छड्ड देवांगे। अपने कोल 6 इंच मोढ़ा आएगा, आपां 1/2 इंच सिलाई दा लवांगे। 7 इंच के उपर निशान ला देंगे, 1/2 इंच अपना इधरों सिलाई च आ जाएगा, 1/2 इंच अपना इधरों, जो आप अपने मोढ़े जोड़ांगे इधरों सिलाई का आ जाएगा। 1 इंच अपना मार्जिन रखिया, 6 इंच अपना मोढ़ा जिहड़ा तैयार आ जाएगा। इतों आप 7 इंच के उपर निशान लगाता। हुण आप उपरों 7 इंच जिहड़ा कपड़ा छड के उस तो बाद अपना कपड़े की लंबाई नापांगे, अपने कोल कपड़ा किन्ना बचता। ये अपने कोल उपरों 7 इंच के उपर निशान लगा के इतों आप नापांगे, अपने कोल कपड़ा जिहड़ा 25 इंच जिहड़ा बच रहा, 24.5 25 इंच आ अपने कोल, 25 इंच जिहड़ा कपड़ा बच रहा। उपरों कपड़ा जिहड़ा आप 7 इंच छड के अगे अपने इतों कपड़ा जिहड़ा 25 इंच, आप हुण 25 इंच दियां जिहड़ियां कलियां जिहड़ियां कटिंग करांगे। इदो कलियां वास्ते आपां कपड़ा जिहड़ा 25 इंच जिहड़ा पहला कपड़ा जिहड़ा ला लांगे पीस, एक इहनां दी किनारियां दी कटिंग कर देंगे। सब तो पहला इस साइड तो भी किनारी जिहड़ी आपां कटिंग कर देंगे। इस तरह कपड़े नूं आपां डबल फोल्ड करके 25 इंच दा पीस जिहड़ा आपां कटिंग कर लांगे।
अपने को 25 इंच आ गया, 25 इंच के उपर अपन निशान लगा लेंगे। 25 इंच जो आप पीस जरा नाप लिया ये कटिंग कर देंगे। इस तो हूँ आप अपनी कलियां की शेप देवे, कली जी एक साइड तो आप 4 इंच लवेंगे, 4 इंच के उपर निशान। कली वास्ती एक साइड तो अपना निशान जो अपना आप 4 इंच के उपर लगया, ये अपने को 4 इंच के उपर निशान जो लग गया। इस साइड तो निशान जो अपना 2.5 इंच के उपर आप कर देंगे, ये अपने को 2.5 इंच के उपर निशान लग गया। इस निशान को इदा आपस में जो मिला देंगे, ये अपने को निशान जो लग गया। इस तरह दो कलियां जी अपनी इधरों कट्टिया जाएगियां, दो कलियां इस तरह आप अगों कट लवेंगे। अपन सिर्फ 4 ही कलियां चाहिए ने, ज़्यादा कलियां आप नहीं कट्टांगे। ये अपने को दो कलियां जिहड़ियां कट्टिया गई, इस तरह ही आप हूँ इस साइड तो कलियां रख के इधरों भी आप दो कलियां जिहड़ियां होर कट लवेंगे। ये अपनी जिहड़ियां कलियां जिहड़ियां 4 पीस जिहड़े कट्टे गए ने, ये अपनी कलियां जिहड़ियां कुछ इस तरह जुड़नगियां। ज़्यादा आप घेरा इहदा खुला नहीं करांगे, ना ज़्यादा चौड़ा जिहड़ा आप उपरों खुला करांगे। एक कली जिहड़ी है अपनी एक एक ही जुड़ेगी, एक कली जिहड़ी अपनी इस साइड जुड़ जाएगी, एक कली जिहड़ी अपनी इस साइड जुड़ जाएगी। इस तरह अपनियां एक एक कलियां जिहड़ियां जुड़नगियां। इस तरह बैक पल्ले दे उपर अपनियां जिहड़ियां दूसरियां दो कलियां ने बैक पल्ले दे उपर आपां जोड़ांगे। दोनों साइडां दे उपर कलियां जिहड़ियां कुछ अपनियां इस तरह जुड़नगियां, सिलाइयां अपनियां कलियां दीआं लगनगियां। इस एक कली अपनी इस साइड जुड़ेगी, एक कली अपनी उस साइड जुड़ेगी। सिर्फ आप एक एक ही कली जी जोड़ा दोनों साइडों के उपर। ये अपने को 4 कलियां कट्टिया, दो कलियां जी अपने अगले पल्ले दियाँ, दो कलियां अपनी बैक पल्ले दियाँ। एक पीस जरा आप विछा लिया जो फ्रंट वाला पीस है, ये हूँ आप गले की जी कटाई करा। गले की कटाई वास्ते आप 2.5 इंच आप उपरों चढ़ाई लवेंगे, 2.5 इंच यदि लंबाई लवेंगे। इस तरह एक बॉक्स बन गया, आप 2.5 इंच की चौड़ाई होगी, 2.5 इंच की लंबाई होगी। इस तरह की गुलाई की शेप दे देंगे। इतों आप फट्टी जी अपनी आप 7 इंच के उपर निशान लगावे, कटिंग कर देंगे गले की। ये अपने को गले की कटिंग होगी, इतों आप सेंटर के कट जरा एक लगा देंगे 7 इंच तक। ये अपने को फ्रंट पल्ले की जी कटिंग हो गई है, ये अपने को बैक पल्ला। बैक पल्ले की भी आप जी चौड़ाई जी 2.5 इंच लवेंगे, ये लंबाई जी आप 1 इंच लवेंगे। 1 इंच या 1.25 इंच लै सकते, तो वध नहीं आप लैनी। इस तरह इन भी गुलाई दे देंगे, यदि कटिंग कर देंगे। ये अपने को बैक पल्ले की कटाई जी होगी। ये अपने को एक पीस है, पीस की जी लंबाई जी पीस की अपने को 15.5 इंच जी लंबाई है, चौड़ाई यदि जी अपने को 8.5 इंच जी यदि चौड़ाई है। इस तो आप बैग जरा आप तीरे की कटिंग करा, इस तरह कपड़े को करा फोल्ड, कपड़े इस तरह डबल फोल्ड बिछा लेंगे। ये अपने को कपड़ा एक निशान बनावे, जिस तरह आप बैग गले की जी कटिंग की है उस तरह ही यदा निशान जरा बना लेंगे। इतने ये अपने को जो निशान जो तीरे की गुलाई का जड़ा लग गया। हूँ आप तीरे की जी लंबाई जी आप 7 इंच करा, इस निशान तो आप 7 इंच के उपर एक निशान लगावे। इतों 7 इंच आप एक निशान लगा लिया, इतों आप 3.5 इंच के उपर आप निशान लगा देंगे। इस साइड तो आप 3.5 इंच के उपर निशान लगाता, इतों आप 7 इंच के उपर निशान लगा, इतों इस निशान तो इस निशान तक यदि आप शेप बना लेंगे गुलाई च। ये अपने को जी शेप बन गई तीरे की, इसे शेप के उपर आप कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये अपने को तीरे की कटिंग होगी, आप इस साइड तो भी कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये अपने को बैक पल्ले की तीरे की कटिंग होगी, यदि शेप जी कुछ इस तरह आ जाएगी। ये आप बैक पल्ले उपर सैट करा, ये जो अपना इतने सैट होएगा।
अपने बैक पले उपर कुछ इस तरह सैट हो जाएगा तीरा। हूँ आप इस बाजू जीडिया कटिंग करा, बाजू आप 14 इंच जी आप तैयार करनी है। इस तरह कपड़े को अपना पहला डबल फोल्ड किया, एक फोल्ड आप होर कर लेंगे। 17 इंच की लंबाई कटांगे आपां, 14 इंच चाहिए है, आप 17 इंच के उपर कपड़े की कटिंग करांगे। ये अपने को 17 इंच आ गया, 17 इंच के उपर इदा निशान लगा लेंगे। ये अपने को बाजू के पीस जिहड़े कटिंग हो गए ने। बाजू की मूरी जिहड़ी आपां 4 इंच आपां तैयार चाहिए है, आपां नूं एक निशान जिहड़ा अपना 4 इंच के उपर लगेगा। 1.5 इंच आप एक्सट्रा अंदर रखांगे कटिंग वास्ते। इधरों आप बाजू की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, अपनी ये कपड़ा जिहड़ा इहदे नाल नाप के आप फिर जिहड़ा उपरों करांगे। इधरों बाजू की कटिंग जिहड़ी सीधी करांगे। ये आपां 7 इंच जिहड़ी बाजू इधरों चाहिए है, इत्थों आपां दा निशान जिहड़ा इस तरह सीधा लैके आवांगे 7.5 तक। एक निशान जिहड़ा अपना इदा बिल्कुल कटिंग का कर देंगे। बाकी आप कपड़े की आप सिलाई लगा के बाकी कपड़े की फालतू जी कटिंग बाद विच करांगे, आप सिर्फ हुण इन्नी ही कटिंग करांगे। अपनी दोनों बाजू ने इधरों आप कोई कटिंग नहीं की, सिर्फ आप गमूरी की कटिंग की है। ये आप 2 पीस कटिंग करांगे, आप 3 इंच की लंबाई लवेंगे, 3 इंच की चौड़ाई लवेंगे। 3x3 का पीस जिहड़ा एक आपां चौरस पीस जिहड़े 2 चाहिए ने आपां नूं, ये आपां नाल ही कटिंग कर लाँगे। ये अपने कोल चौरस पीस आ गए, इन्हां पीसां की कटिंग कर लाँगे। अपने कोल 2 पीस आ गए, 3 इंच की चौड़ाई 3 इंच लंबाई दोनों साइडां तों 3-3 इंच आपां निशान करके बराबर के पीस जिहड़े कट ले ने, 2 पीस आपां नूं ये चाहिए ने। उस तों बाद विच ये अपने कोल कपड़ा बचिया, इस कपड़े दे विचों जिहड़ियां आपां दोनों साइडां दे उपर जिहड़ियां जेबां लगा देंगे, ये अपनी जेबां दे काम आ जाएगा। चोले की कटाई जिहड़ी अपनी बिल्कुल हो चुकी आ, ये अपने कोल पीस बचा, इहदे विचों आपां बैन लगाउण दे काम आएगा। इहदे विचों आपां बटन पट्टियां वास्ते जिहड़ा कपड़ा आपां कट्टांगे। हुण चलदे मशीन दे उपर, आपां करांगे इहदी सिलाई।